स्कूल चले हम अभियान के तीसरे दिन आयोजित भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ में शामिल हुए। इस अभियान का उद्देश्य शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना व बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया, उन्हें जीवन में सफलता हासिल करने के लिए टिप्स भी दिए। बता दें कि इस अभियान के अंतर्गत जिले के सभी 1783 स्कूलों में जनप्रतिनिधि व शासकीय अधिकारी विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। इनमें प्रमुख जनप्रतिनिधि, पूर्व छात्र व अधिकारी भी शामिल थे। स्कूल चले अभियान के तहत आज सांसद अनिल फिरोजिया भी शिक्षक बनकर इंद्रनगर स्थित नूतन स्कूल पहुंचे। यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले तो देरी से पहुंचने पर छात्र छात्राओं से माफी मांगी, प्रिंसिपल से कहा कि प्रिंसिपल मुझे हाथ खड़े होने की सजा दीजिए। इसके बाद सांसद फिरोजिया ने अपनी दास्तां बताते हुए कहा कि मैं भी जब छात्र था तो मुझे मेरे पिता और स्कूल के शिक्षकों ने पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया। जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए पढ़ाना लिखाना बेहद जरूरी होता है। हमें सही रास्ता सही मंजिल तभी मिलती है जब हम स्कूल व कॉलेज में शिक्षा का ज्ञान हासिल करने से शिक्षकों का पढ़ाया हुआ ज्ञान हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी हम अपने लक्ष्य व भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन ने लक्ष्य चुना था कि मुझे मछली की आंख में बाण चलाना है, इसलिए वह बाण मछली की आंख में भी लगा, एक लक्ष्य हासिल किया। इस प्रकार मैंने छात्र नेता के साथ विधायक सांसद की सीढ़ी चढ़ा, क्योंकि मेरा लक्ष्य था, अगर कोई मेरा लक्ष्य नहीं होता तो मैं आज आप सभी के बीच में खड़ा नहीं होता। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं लगा रहा मुझे असफलता भी मिली है। मैं आखिर तक पहुंच जाता था और लेकिन वहाँ पे मेरी जाति का कोई भी नहीं, उसके बावजूद मुझे टिकट मिला, मेरे को जनता ने जिताया, मैं दिखाई पड़े। फिर मेरे संकल्प लिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देख, कि मोदी जी जब गुजरात को मॉडल बना के दिल्ली तक आ सकते हैं, विधानसभा क्षेत्र को मॉडल बना के लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। इंदिरा नगर नूतन स्कूल में गया था और वहाँ पे जाके मैंने बेटियों को एक परेड लिया और मैंने टोटल नैतिक शिक्षा का परेड लिया कि जो है अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसके लिए ईमानदारी से अगर परिश्रम किया जाए तो ईश्वर प्रकृति सब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद करेंगे और आपको वो लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। और जीवन में अगर बड़ा बनना है तो झुकना सीखे, विनम्रता सीखे और कभी भी किसी को पलट के जवाब ना देके अपने परफॉर्मेंस से उसको जवाब देने का काम करें। ये सब बातें हुई और कुछ बेटियों ने मेरे से प्रश्न भी कहे और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा जाहिर करी और मैंने उन लोगों को टिप्स भी दिए। संभागायुक्त उज्जैन संजय गुप्ता सीएम राइज जाल सेवा हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ाने पहुंचे, बच्चों को पढ़ाई पर फोकस करने की राय दी। साथ ही कहा कि बड़े विद्वानों भी अभाव में पढ़कर बड़े बने हैं, इसीलिए हमें भी केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। कमिश्नर गुप्ता ने प्रश्न के सही जवाब देने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। मैं भी जब स्कूल में जाता था तो ऐसा कोई कार्यक्रम होता था तो मेरे चेहरे पे भी वही मुस्कान होती थी जैसे कि आपके चेहरों पे मुझे दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो दिल लगे बच्चे लोगों वो करो, एक अपना लक्ष्य बना लो। शिक्षा से आपको नॉलेज मिलता है, आप यहाँ स्कूल में आते हैं, आपके एक प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई सब्जेक्ट आपको इतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि आपको लगना चाहिए, ये आपको बेसिक नॉलेज देता है। स्कूल चले अभियान के तीसरे गुरुवार को भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत आज कलेक्टर नीरज कुमार सिंह भी माधवनगर उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे, कक्षा 10वीं के छात्रों की क्लास लेकर उन्हें पढ़ाया, छात्रों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कवि दिनकर की कुरुक्षेत्र नामक कविता का प्रसंग सुनाते हुए बच्चों से इससे सीख लेने की बात कही, सोशल मीडिया से दूरी बनाने की सलाह भी दी।
संकलन लिखा था रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी उनकी दो बड़ी काव्य संग्रह हैं, कविताएं हैं। कुरुक्षेत्र महाभारत के बारे में है, महाभारत क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके पश्चात क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए इसके बारे में कविता है। तो इसका एक सर्ग मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। प्रसंग ये है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत के युद्ध से तो सभी वाकिफ है ना, आज भविष्य से भेंट स्कूल शिक्षा अभियान के अंतर्गत यहाँ पे उत्कृष्ट विद्यालय में आया हूँ। यहाँ पे 10वीं के बच्चों से मैंने बातचीत की है, उनको हिंदी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की पढ़कर सुनाई गई है और उससे जो उसकी सीख थी वो उनको समझाई गई है। सर, एक महाभारत का भी विषय आपने बताया था, क्या कुछ विषय? रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य रचना है कुरुक्षेत्र, उसका एक सर्ग मैंने पढ़ करके बच्चों को सुनाया है और उससे जो हमें अपनी जीवन के लिए सीख मिलती है उसको हमें बताया गया है। सर, कई बच्चों को आप सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए भी संदेश दिया है क्योंकि समय अनुकूल रहता है उसके लिए। आपको देख करके आपसे प्रेरणा लेकर के पढ़ने के लिए आते हैं तो जो छूट गए हैं जो भी आते हैं उनको भी रहना चाहिए। दूसरा मेरा प्राचार्य जी और हमारे बेटे हैं, और मेरे को अभी बहुत सारे लोग मिलने आते हैं तो शायद अब ऐसा हो गया कि एक बार तो बच्चा फेल हो जाए तो उसको दोबारा स्कूल में नहीं रखते। हाँ, तो भाई बड़ी मेरे को लगता है कि बेचारा हर हर किसकी परिस्थिति होती है तो उनको दोबारा भी पढ़ने का कम से कम दो बार तो अवसर होना ही चाहिए। क्योंकि हमारी व्यवस्था में व्यवहार को माँ बाप ने ही की वो नमस्कार करते हुए प्रणाम कर स्मरण करते हुए हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे नगर के आयुक्त महोदय परम आदरणीय श्री आशीष पाठक जी उपस्थित हो चुके हैं। एक बार फिर दर्दर कमी से आप सभी को ये भान होना चाहिए कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का लड़ने का एक सबसे सशक्त माध्यम है जो हमारे पास है। हो सकता है हम सभी के पास कुछ कमी हो, कुछ अभाव हो, कोई किसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, किसी के पास ज़्यादा साधन हो, किसी के पास कम साधन हो, पर एक चीज़ जो हमें सबको इस सारे भंवर से निकाल कर बराबरी पर या और एक शिखर पर ला सकती है वो शिक्षा है। और सबको ये एहसास होना चाहिए कि अगर हम संघर्ष करते हुए किसी पद पर बढ़ रहे हैं और लगातार सतत मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि आप जीवन में सफल ना हो। जलाते हैं ये वो दीप है जो ये प्रतीक है इस बात का कि हमारे मन और मस्तिष्क में से अज्ञान का अंधकार दूर हो और वहां पर ज्ञान की ज्योति। श्री ओम जी का स्वागत, आप सबकी तालियां। माता की जय, अमेरिका माता की जय, पाकिस्तान माता की जय, नेपाल माता की जय, ये सुना क्या? भारत माता की जय फिर क्यों मालूम है किसी को? नहीं मालूम है तो अपन यहीं से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। हमारा ये सनातन धर्म है जो हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति हमको सिखाती है कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, जिस भूमि पर हम पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जिस वायुमंडल से हम प्राण वायु ले रहे हैं, जिस भूमि से जो फसल उत्पन्न होती है उससे हमारी उदर पूर्ति कर रहे हैं, जिस भूमि पर हम चल रहे हैं, इन सब को देने वाली जो चीजें हैं, इन सब बातों की परिपूर्ण करने वाली कोई चीज है तो वह है हमारा वायुमंडल। बड़नगर के ग्राम
पलवा में दो पक्षों में जमीन को लेकर जमकर विवाद हो गया। इसमें जमकर लठ भी चले, इसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि जगदीश माली निवासी ग्राम पलवा गणेश माली के बीच एक बीघा जमीन का है यह पूरा मामला। बताया जा रहा है कि गणेश माली के बड़े पापा शिवलाल की 4 बीघा जमीन यहाँ पर मौजूद थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस पर उन्होंने गणेश माली को 3 बीघा जमीन दी, 1 बीघा जमीन जगदीश माली को बेच दी थी। अब इस पूरे मामले पर सूत्रों के हवाले से पता चला है कि गणेश माली 1 बीघा जमीन भी अपनी बता रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है, क्योंकि वीडियो में इंसानों पर ट्रैक्टर चढ़ते हुए लट्ठबाजी करते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं, लोगों की संख्या भी अधिक दिख रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। खुलेआम गुंडागर्दी यहाँ पर देखी जा सकती है। इंगल फेंक के हमारा ऊपर मारे हुए और हमारा ऊपर दौड़े और इंगल फेंक के और हमारे सब साड़ी कपड़ा पेटी को उठा दिया। किसने? वो नाम नहीं मालूम, मैं गुंडा हूँ, मैं तो कौन था मालूम नहीं मारे। और मैंने ट्रैक्टर नहीं रोके और जगदीश और मणि रंजना ये ली दी है। ट्रैक्टर बांझे पे चढ़ा रहा था इसलिए मैंने डायरेक्ट बीज बचाव के लिए उस पर मार दी लटे, फिर दौड़ा के ट्रैक्टर उसने मेरे भांजे पे चढ़ाया, फिर मैंने उसको एक फिर मारी, इतने में 5-7 लोग और आ गए और मेरे भांजे को मार दिया। कौन लोग? फिर पीछे हट गए। कौन लोग? वो जगदीश और उसके साथी। और ये थाना राघवी का महोड़ीपुरा ग्राम पड़ता है, वहाँ का घटनाक्रम है जिसमें एक ही परिवार के दो पक्ष हैं, उसमें कुछ आपसी जमीनी विवाद को लेकर के बीच में विवाद हुआ है जो वीडियो आपने दिखाया है। इसमें दोनों पक्षों की शिकायत पर भारतीय दंड विधान 324 का अपराध दोनों तरफ से दर्ज किया गया, हम लोग इसमें विवेचना कर रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म महाराज के विरोध में श्री वल्लभ वैष्णव मंडल महिला मंडल एवं युवा मंडल द्वारा खारपा थाने पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि ओटीटी चैनल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म महाराज में सनातन धर्म एवं उसके समावेशी भगवान विष्णु के अनुयायी वैष्णववाद के आचार्य श्री के साथ ही सनातन हिंदू धर्म के आचार्य श्री गुरु संत का चित्रण किया गया है। सनातन हिंदू धर्म के समाज विशेषकर वैष्णववाद एवं युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। यह फिल्म वैदिक सनातन हिंदू धर्म को भटकाने व हिंदू धर्म के गुरुओं को खलनायक के रूप में चित्रित करने की मानसिकता से बनाई गई है। साथ ही इस फिल्म में भगवान श्री कृष्ण जी पर अभद्र टिप्पणियां भी की गई हैं। हिंदू धर्म गुरुओं व सनातन हिंदू धर्म को कलंकित करने का प्रयास किया गया। यह फिल्म 150 साल पहले के एक कोर्ट केस पर आधारित है जब अंग्रेजों का शासन था, वे हिंदू समाज को तोड़ना चाहते थे। आज 150 साल बाद इस केस के जरिए हिंदू धर्म को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार यह फिल्म सनातन हिंदू धर्म व भारतीय समाज में वैष्णव संप्रदाय यानी कि भगवान विष्णु अनुयायी धार्मिक गुरुओं आचार्य श्री महाराज श्री की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बनाई गई है। अगर यह फिल्म रिलीज हुई तो कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में श्री वल्लभ वैष्णव मंडल महिला मंडल एवं युवा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में मंडल के सदस्यों व उज्जैन पुष्टि मार्गी वैष्णव समाज जनों द्वारा खारक व पुलिस थाने पर इस फिल्म के लेखक निर्देशक एवं अभिनेता के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता वैष्णव जगदीश पांचाल श्री वल्लभ वैष्णव मंडल के संस्थापक विठल नागर राजेंद्र शाह आनंद पुरोहित जय श्राफ विशाल नीमा अमित नागर अमर दिसावल हेतल शाह नुपुर नीमा वर्तिका नागर राधा रानी सुगंधी पवन त्रिपाठी नरेश दिसावल राजेश दिसावल अजय मेहता प्रदीप शाह विनय नीमा संगीता खंडेलवाल पंडित बिहारी लाल राय राकेश नीमा उर्मिला सोनम जोशी रमाकांत दिशावल अनिल दिशावल केशव दिशावल आदि वैष्णव जन इस फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का मांग करते हुए कहा कि यह फिल्म वैष्णव संप्रदाय और हमारे आचार्य श्रीवा सनातन हिंदू धर्म को कलंकित करने का प्रयास कर रही है। भारत वर्ष में सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से बॉलीवुड के द्वारा फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है उसी क्रम में ये महाराजा फिल्म में भी जिस प्रकार से सनातन के विरुद्ध जो प्रदर्शन किया है आज उसके विरुद्ध पूरे सनातन धर्मावलंबी यहाँ उपस्थित हुए हैं और थाने पे हमने आवेदन दिया है कि शीघ्र ही तत्काल कार्रवाई कर इसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए वरना हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा और किसी भी प्रकार से उज्जैन में फिल्म के प्रदर्शन पर
पूरी रोक लगाने की भी हमने मांग की है। जो हमारी मांग अगर नहीं मानी गई तो पूरा सनातन धर्म मैदान में होगा और हम सब सनातन के सम्मान में हम सब मैदान में हैं आज। और आज ये हमारा प्रारंभिक चरण है। हमने थाने पर भी आग्रह किया है और उनको आह्वान किया है और उनसे ये कहा है कि पहले आवेदन निवेदन, उसके बाद भी अगर बात नहीं मानी गई तो जनता के बीच जाएंगे। महाकालेश मंदिर में जल भराव की स्थिति ना बने इसको लेकर कलेक्टर ने अलग अलग टीम बनाकर व्यवस्था को जल्द सुधारने की बात कही। इस बार मंदिर में जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी। दरअसल विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में वर्षा काल के दौरान जल भराव की स्थिति निर्मित होती थी। पिछली बार भी मंदिर के आसपास क्षेत्र में विकास कार्य होने के चलते जल निकासी के मार्ग बंद हो चुके थे, इसके कारण जल भराव की स्थिति बनी थी। इस बार उज्जैन कलेक्टर ने मंदिर से पानी निकासी को लेकर पहले ही व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक में भी अलग से टीम लगाकर नाली की सफाई का काम किया जा रहा है, साथ ही मंदिर में जल भराव व जल निकासी के मार्ग को व्यवस्थित ढंग से ठीक कराकर देखा जा रहा है। आने वाले समय में कितनी भी बारिश हो जाए लेकिन महाकाल मंदिर में जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, इस बार पूरी मंदिर समिति में जो लोग हैं प्लस टीम्स विभिन्न विभागों की, उनको हम लोगों ने निर्देशित किया है कि एक बार पूरा स्टडी कर लें कि कहाँ कहाँ से बैकवाटर आता है, कहाँ कहाँ से फ्लो होता है। तो वहाँ पर जहाँ पर रिपेयर्स की आवश्यकता है या जहाँ पर कोई क्लॉगिंग हो गई है उसको जो है ठीक किया जाएगा। इसके अलावा महाकाल लोक में जो चैम्बर्स बने हुए हैं उसकी भी साफ़ सफाई करवाई जा रही है। भोपाल से एक टीम आई थी, वो जो है साफ़ सफाई कर रही है जिससे कि जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो। तो प्रयास है कि जल भराव इस बार ना हो और बेहतर प्रबंधन हो। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की प्यास बुझाने के लिए मंदिर में बनी टंकी के भरोसे रहना पड़ता है। वर्तमान में गंभीर बांध में कम पानी होने से शहर में पीएचई से पानी की सप्लाई कम हो रही है। इसके कारण मंदिर समिति को भी पेयजल के लिए अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। आने वाले श्रद्धालु की पेयजल की परेशानी को देखते हुए मंदिर के ई कार्ट चालक संजय आंजना ने ही आगे बढ़कर अपने खर्च से महाकाल लोक व मंदिर परिसर में बोरिंग करा दिया। दोनों बोरिंग में मोटर भी लग चुकी है, अब भरपूर पानी मिल रहा है। आंजना ने बताया कि पुश्तैनी जमीन बेचने से प्राप्त राशि से मंदिर के लिए दान करने की इच्छा जागी तो पीने का पानी उपलब्ध कराने से बड़ा धर्म कोई नहीं दिखा। ई कार्ट चालक पे पद पे हूँ यहाँ पे, और पिछले वर्ष भी गर्मी में बहुत दिक्कत आई। त्रिवेणी संग्रहालय से भी मंदिर ने पानी लेके पिलाया, नान भी भरी वहाँ पे जा जाके, तकलीफ आ रही थी यात्रियों को, इसलिए मेरे मन में प्रेरणा आई और मैंने बोरिंग का निर्णय लिया। तो ट्यूबवेल लगाने से यात्रियों की क्या है, आसानी हो जाएगी जल की थोड़ी, इसलिए मैंने दान के रूप में बोरिंग करा है। संजू भाई आंजना जो कि आउटसोर्स में कर्मचारी है, ई कार्ट चलाते हैं, उनके द्वारा भी कुछ पैतृक भूमि बेची गई थी तो उनको प्रेरणा मिली कि उनको यात्रियों के लिए पेयजल की सुविधा करना चाहिए। तो उनके द्वारा स्वयं के व्यय से दो ट्यूबवेल मंदिर में पूर्व में लगाए गए थे और अभी गंगा दशमी पे उनके उस पर एक मोटर लगाई गई है और उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी निकला है। महितपुर विधानसभा में एक नाम आज उसके जवान है, वो नाम है समाज सेवी विजय सिंह गौतम का, जो समस्याओं का ऑन द स्पॉट फैसला कर देते हैं। विजय सिंह गौतम ने बताया कि थाना प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर के निवेदन पर उन्होंने नगर में सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों के लिए अपने निजी व्यय से 50,000 रुपये की राशि, नगर में लगने वाले सीसीटीवी के लिए सहयोग हेतु पुलिस प्रशासन व राजस्व अधिकारी एसडीएम अजय हिंगे को भेंट किए। इस कार्यक्रम में पुलिस स्टाफ के साथ कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। एसडीएम अजय हिंगे, थाना प्रभारी राजवीर सिंह व समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने नगर के गणमान्य नागरिक व व्यापारी भाइयों से भी अपील की कि आप भी नगर सुरक्षा के लिए अपना सहयोग दें जिससे हमारा शहर व हमारा नगर सुरक्षित रह सके। सीसीटीवी के द्वारा पूरे नगर की मॉनिटरिंग की जा सके और अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। मैं आभार व्यक्त करता हूं यहां के समस्त लोगों का। मुझे टीआई साहब ने एक दिन बुलाया और मुझे कहा कि हम कम से कम 100 कैमरों से ऊपर पूरे महितपुर को मैं मेरे कंट्रोल रूम में यहाँ बैठ के देख सकता हूँ किस गली किस मोहल्ले में और कहाँ पे व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कुछ हो रहा है, वो सब यहाँ से निर्धारित होगा। तो इसलिए केवल हम लोग चाहते हैं, मैंने तुरंत 50,000 रुपये की राशि श्रीमान से कहा कि मैं आपको देना चाहूँगा
और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि सेफ महितपुर, हमारा महितपुर अगर सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित हो गए। अधिकारी गण तो पूरा प्रयास करते हैं हम लोगों की सुरक्षा के लिए ही है, सब ये पूरा महकमा हम लोगों के लिए है, जनता के लिए, आम जनता के लिए, आवाम के लिए है। शासन की एक पहल है कि जन सहयोग से इन कैमरों को लगाया जाए, उसमें आज मेरी ओर से यहाँ पर थाने में 50,000 की राशि भेंट की है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अनुविभागीय अधिकारी अजय हिंगे साहब को, सामानी भाई साहब राजवीर सिंह गुर्जर साहब को, और यहाँ के पूरे पुलिस महकमे को, और पूरी महितपुर की आम जनता को, आवाम को, कि वो निरंतर आगे बढ़ें और सबका सहयोग करें। और सभी शहर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, सभी व्यापारी संगठन, सराफा व्यापारी संगठन, सभी से अपील की गई मेरे द्वारा, तभी समाज सेवी विजय सिंह गौतम जी एक दिन मुझे मिले, उनसे मैंने निवेदन किया, उन्हें स्वीकार किया कि मैं 50,000 रुपये अपनी स्वेच्छा से कैमरा लगाने के लिए कस्बा को सुरक्षित बना रहे इसके लिए मैं अपनी स्वेच्छा से 50,000 रुपये दान कर रहा हूँ। आज उनके द्वारा श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय महितपुर के समक्ष में 50,000 रुपये दान किए गए, जो कैमरा जो लगा रहे हैं उनको सुबूत किए जा रहे हैं। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा के क्षेत्र में अब और अत्याधुनिक होने जा रहा है। दरअसल यह विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर बीएससी एवं एमएससी में एग्रीकल्चर की शुरुआत की गई है। वर्तमान समय में इन कोर्सों में 1200 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। हालांकि यह जगह की समस्या आ रही है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि अध्ययनशाला की नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि नई बिल्डिंग की शुरुआत अगस्त माह में कर दी जाएगी। बिल्डिंग की लागत करीब 70 करोड़ रुपए है जो कि 3 मंजिला होगी। इसमें लगभग 1500 विद्यार्थी अध्ययन कर सकेंगे। यहाँ 21 विभाग होंगे, इसमें 45 शिक्षक पढ़ाएंगे। विक्रम विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने एग्रीकल्चर में बीएससी और एमएससी कोर्स शुरू किया, और आज इस विश्वविद्यालय में 1200 के करीब विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं। ऐसी समस्या आ रही है कि अब उनको बैठाने के लिए कहीं जगह नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए कृषि अध्ययन शाला की ये बिल्डिंग बन रही है, और अभी जो नया बैच आ रहा है उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में इस बिल्डिंग का पूरा जो नीचे का फ्लोर है उसको क्लासरूम में बदल रहे हैं, और इससे जो है आने वाले समय में और भी बच्चों को बहुत सारे इसमें एकोमोडेशन मिल जाएगा, जिससे कि और बच्चे हम अपने एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकें। श्री महाकालेश्वर मंदिर में मुंबई के आर्यन सुरेश भाई पटेल ने पुरोहित राजेश शर्मा की प्रेरणा से श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे विकास कार्यों हेतु रुपए 25,51,001 की राशि का चेक प्रदान किया है। वहीं श्री महाकालेश्वर मंदिर भवन समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने दानदाताओं का नंदी हॉल में दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया। बाबा महाकालेश्वर के जो यात्री आते हैं उनकी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं, उसी उपलक्ष्य में आज बॉम्बे के सुरेश भाई आर्यन पटेल द्वारा आज 25,51,001 रुपये का दान किया गया है, बाबा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। उनका स्वागत भी करते हैं जी, स्वागत करना हमारी परंपरा है, स्वागत उनका किया जाए।